सो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो यहाँ पे यार एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो कि है MIUI 11 के अंदर आपको यार Redmi Note 9 Pro के अंदर देखने को मिलता है, और बहुत सारे लोगों को ये ऑप्शन के पता नहीं है। ये ऑप्शन क्या है कि आप अपनी कोई भी पिक्स हो, कोई भी इमेज हो, उसको आप इजिली हाइड कर सकते हो अपने फोन के अंदर ही। यहाँ पे इसके लिए बहुत सारे लोग अलग अलग ऐप को डाउनलोड करते हैं और उसमें आपका यार सही से कभी कभी वर्क नहीं करता है, या अगर करता भी है तो पिक्स वगैरह डिलीट भी हो जाती हैं कभी कभी। तो कोई इंपॉर्टेंट चीज हो जिसको आपको हाइड करना हो, पिक्स हो, वीडियो हो, आपको यहां पे इजीली आप कर सकते हो। कैसे करना है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, तो जल्दी से एंड तक जरूर से देखना। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज नीचे रेड कलर का बटन मिलेगा, दबा के कर लो। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। यहां पर इसके लिए बहुत ही ईजी मेथड है, कोई भी अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको सिंपली यहां पर ओपन करना है गैलरी, यहां पर जाना है अपनी कोई भी पिक को जिसको आपको हाइड करना है। जैसे कि मुझे यहां पर पबजी वाली इमेज को हाइड करना है, इसको मैंने टैप करके रखा और देखो कि ब्लू टिक आ गया है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड टू एल्बम का, इसको हमको टैप करना है। उसी के बाद आपको यहां पे ऑप्शन मिल जाएगा हिडन एल्बम का, ये देख सकते हो। इस पे सिंपली टैप करो और नीचे ऑप्शन आ जाएगा हाइड दिस फाइल, क्या हम हाइड करना चाहते हैं, ओके कर दो और आप देख पाओगे आपकी फाइल को हाइड हो गई है। और ये इतना सिंपल वैसे नहीं होगा, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपका जो मी अकाउंट है उसको लॉगिन करो। तो मी अकाउंट को जरूर से आपको यहां पे लॉगिन कर लेना है, वरना आपका यहां पे ये हाइड नहीं होगा अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है। तो देख सकते हो यहां पे हाइड हो गई है, अब आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। अब यार वापस कैसे लाएं, हाइड तो कर दी, बहुत ज्यादा ईजी है। आपको इस एल्बम्स में जाना है, अब यहां पे आके आपको स्वाइप डाउन करना है, कोई भी चीज को नहीं करना है, बस ऐसी सिंपली स्वाइप डाउन एक बार कर दो और आपको यहां पे देखो एक पासवर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये चीज सेट करने के लिए आपसे पूछेगा जब आप पहली बार हाइड करते हो किसी भी फाइल को, तो आपको ये सब चीज पूछेगा, आपको सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इजिली जो जो बोले आपको इजिली सेट कर देना है। मैंने यहां पर अपना पासवर्ड डाला और आप देख पाओगे यहां पर हिडन एल्बम के अंदर जो फोटोज मैंने अभी हाइड करी थी आ गई, ये चीज आप यहां पे देख सकते हो। साथ ही साथ इससे पहले मैंने एक वीडियो भी हाइड करी थी और वो भी यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये सब चीज आपकी हिडन होगी, चाहे आप फाइल मैनेजर में जाओ या आप गैलरी में देखो, कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब इसको अनहाइड कैसे करना है, अनहाइड करना बहुत ज्यादा ईजी है। सिंपली आपको फिर से इसको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ये वाली फाइल को मैं वीडियो है इसको अनहाइड करना चाह रहा हूं, इसको सिंपली आपको या दोनों अनहाइड करना है, दोनों को सेलेक्ट कर लो और नीचे ऑप्शन मिलेगा अनहाइड करने का, सिंपली उस पर टैप करना है या आपसे पूछेगा कहां पर है, उस पे सिल्क सेलेक्ट कर दो और आप बैक जाओ तो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी कि आपकी जो फाइल है वो वापस आ गई है आपके फोन के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग मेथड है और बहुत ही कम लोगों को पता है, और बहुत सारे लोग ढूंढते हैं और फिर अलग अलग ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जो कि सही से वर्क नहीं करता है। लेकिन यार हमारे फोन के अंदर पहले से ही मिल जाता है, जैसे ही आप फोन हाथ में लोगे तुरंत आपको यह ऑप्शन मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक शेयर कर दो। इस तरीके का वॉलपेपर चाहिए जिससे आपका यहां पे कैमरा नॉच है जो हाइड हो जाता है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।